नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। कोचिन शिपयार्ड की तरफ से दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, हालांकि ये वैकेंसीज जो दोस्तों एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, ठीक है, और सैलरीज में 27,530 रुपये से लेकर 29,400 तक रहेगी। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट रहेगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, मैं पहले बता देता हूँ, और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक चलेगा, ठीक है। 3 साल के बाद इनके डिपार्टमेंट और इनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा और आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड होगा या नहीं। फिलहाल एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल तक के लिए आप निश्चित रहेंगे, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एक्सटेंड भी करेगा। एक प्लस पॉइंट मैं इसमें बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास शिपयार्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहता है ना, तो कभी भी आपको कोई भी शिपयार्ड कंपनी की वैकेंसी रहेगा निकलेगा तो सबसे पहले आपको ही मतलब कि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जो वैकेंसीज आए थे दोस्तों MDL की तरफ, ठीक है, MDL से यानी कि मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड, ठीक है, तो इसमें जो भी वैकेंसीज आया था मोस्टली सारे पोस्ट में शिपयार्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया था, ठीक है। तो अगर आपके पास शिपयार्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहता है और MDL के जो भी वैकेंसीज हर साल लगभग इसका वैकेंसीज फिक्स है, आता ही है, ठीक है, तो आपके पास अगर शिपयार्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहेगा तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और कोचिन शिपयार्ड से भी हर साल 2-3 वैकेंसी जरूर आ जाता है, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड में बहुत सारे ब्रांचेज होता है, जिसमें आपका कर्नाटका हो गया मुंबई में हो गया, उसके बाद आपका कोलकाता में भी 2 जगह इसके ब्रांचेज हैं। तो कोचिन शिपयार्ड भी बहुत बड़ा ब्रांचेज है, हालांकि MDL का एक ही ब्रांचेज है आपका मुंबई, बट वो भी आपका कोलकाता शिपयार्ड वगैरह से मिल के काम करते हैं, लेकिन कोचिन शिपयार्ड के अकेले बहुत सारे ब्रांचेज है, 4 से 5 ब्रांचेज है, तो उनमें से कोई भी ब्रांच से हर साल 2-3 वैकेंसीज आपका 2-3 बार वैकेंसीज हर साल आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड हो या गोवा शिपयार्ड से रिलेटेड जी कहीं भी वैकेंसीज आता है और आपका शिपयार्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है जॉब लेने के लिए। तो चलिए इस वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपका आया है यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है और भारत का रत्न कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये भी आता है। और ये वैकेंसी जो रिलीज किया गया दोस्तों 11 नवंबर को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन की वैकेंसीज रहेगा। और यहाँ पर जो पोस्ट है दोस्तों आपका, सभी पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं तो वीडियो का अभी से स्किप कर सकते हैं, और जिसके पास एक्सपीरियंस है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है दोस्तों, इसका फोल्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो इसके फोल्डर की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे 10th क्लास मांगा गया है, और इसके लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए जनरल स्ट्रक्चरल या इसका फोल्डिंग वर्क अपने कोई कंपनी वगैरह में कहीं किए हैं और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो वैकेंसी दोस्तों आपका, सेमी स्किल्ड रिगर की वैकेंसीज है और इसके लिए 4th क्लास मांगा गया है, ठीक है, 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेमी स्किल्ड की वैकेंसीज हैं और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका रिगिंग और विच 2 ईयर्स रिगिंग ऑफ हैवी ड्यूटी मशीन पार्ट्स असिस्टिंग इन द एरेक्शन ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, तो आपने कहीं मशीन शॉप वगैरह में या मशीन से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे आपने ITI वगैरह किए हो या 10th पास है और मशीन से रिलेटेड हैवी मशीन से रिलेटेड आपने कहीं काम किया हो इसके मशीन शॉप वगैरह में और आपको नॉलेज है, तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो 13 नवंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ, यानी कि आज ही के डेट में इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो आपका 29 नवंबर तक है, ठीक है। पोस्ट अगर बात करें तो इसका फोल्डर की टोटल 21 सीटें हैं और सेमी स्किल्ड रिगर के लिए यहाँ पर 50 सीटें हैं, तो सीटें भी काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है। यहाँ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, तो ये सही चीज़ें हैं, ठीक है। और सैलरी की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर आपका सैलरी 22,100 रुपये रहेगा प्लस 5,530 रुपये पर मंथ आपको OT भी मिलेगा। सेकेंड ईयर आपका 22,800 रहेगा प्लस 5,700 OT रहेगा पर मंथ,
तीसरा साल आपका 23,400 रहेगा और प्लस 5,850 रुपये ओटी रहेगा पर मंथ। ये ओटी आपको रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो हर साल जो भी आपका सैलरी है और यहाँ पर ओटी वगैरह लगा के आप 27,28,000 रुपये हर मंथ कमा सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें तो देखिए, एज की काउंटिंग आपका 29 नवंबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। तो 29 नवंबर के आधार पर आपका एज की काउंटिंग की जाएगी, जिसमें आपका मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए और मिनिमम 18 साल होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए। और SC/ST है तो 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC है तो 3 साल का अलग से एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और आप अगर एक्स सर्विसमैन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अंतर्गत, तो आपको 45 साल तक आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ सेलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें देखिए आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। तो इसका फोल्डर की जो है 80 नंबर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट पर दिया जाएगा और फिजिकल टेस्ट में आपको 20 नंबर रहेगा। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। और सेमी स्किल्ड रिगर की अगर बात करें तो इसमें डायरेक्ट प्रैक्टिकल होगा आपका 100 मार्क का, इसमें कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, इसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम भी नहीं होगा। आपके प्रैक्टिकल के आधार पर डिपेंड करता है, यानी कि आपके पास कितनी नॉलेज है, नॉलेज आपकी अच्छी है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह दोस्तों 29 नवंबर से पहले ही आपका होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेट वाइज यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज़ दिया है दोस्तों, यहाँ पर ट्रेनिंग विल रिमुनरेशन शैल बी ट्रीटेड एज एक्सपीरियंस। तो आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है या कोई कंपनी में आपने ट्रेनिंग किया, जैसे नीम का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, NEEM नेशनल एम्प्लॉयमेंट एनहेंसमेंट मिशन, ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, नीम नेशनल एम्प्लॉयमेंट एनहेंसमेंट मिशन, जो कि वो सारी कंपनियाँ कराती हैं, तो वो भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट होगा। या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह कोई कंपनी करवाता है तो वो भी आपका एक्सपीरियंस में काउंट होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसका फॉर्म फिलअप का भी यहाँ पर चार्ज है दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी आपको 200 रुपये देना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो SC/ST की और एक्स सर्विसमैन का कोई भी आपको पे नहीं करना है, बाकी यहाँ सारे कैंडिडेट्स को करना पड़ेगा जनरल EWS और OBC वगैरह को 200 रुपये का, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है दोस्तों सबसे पहले, उसके बाद करियर पेज पे जाके आपको CSL कोची जाना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो सारा डिटेल मैंने दोस्तों बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है इसको लेकर तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।